नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ 9वां जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँ, इस पाठ का स्वाध्याय। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक, कृति पूर्ण कीजिए। अमृतलाल नागर जी के साहित्य सूजन में सहायक। तो दोस्तों, हमें लेखक और पत्रिकाएं ऐसे दो दिए हैं कॉलम्स। तो इसमें दोस्तों हम लोग को उत्तर ढूंढ निकालना है। तो दोस्तों, पहले तो लेखक में आएगा स्नेह जी और दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय और पत्रिकाएं क्या है सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। हम लोग ने जब पाठ पढ़ा था तभी हमें ये गृहलक्ष्मी और सरस्वती वाचन में आए थे। प्रश्न दूसरा, उत्तर लिखिए। एक, नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव। तो दोस्तों, इसका उत्तर यह है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय लिए गए लाठीचार्ज के अनुभव ने नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित किया था। दोस्तों, प्रश्न दूसरा, नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। तो दोस्तों, कौन सा गुण? कि उनके पिता किसी के भी दुख दर्द में प्रथम पहुंच जाते थे। तो ये गुण नागर जी को अपने पिता से प्रभावित करता था, ऐसे हम बोल सकते हैं। प्रश्न तीसरा, कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतियों का वर्गीकरण कीजिए। बल लौ कहो लाठी खाए, खंजन नयन अपशकुन, नाचो बहुत गोपाल, महाकाल प्रायश्चित, गदर के फूल। तो दोस्तों, इसमें हमें ये चार कोने दिए हैं, उसमें है कहानी, उपन्यास, कविता और अन्य। तो दोस्तों, इस ऊपर जो हमें जो माहिती दी है उससे हमें ये भरना है, मतलब कहानी में कहानी, उपन्यास में उपन्यास, कविता में कविता और अन्य में अन्य। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कौन से कॉलम में कौन सी चीज़ आएगी। तो दोस्तों देखिए, कहानी में क्या आएगा? प्रायश्चित और अपशकुन। उपन्यास में आएगा महाकाल, नाचो बहुत गोपाल और खंजन नयन। कविता में आएगा कब लौ कहो लाठी खाए और गदर अन्य में आएगा गदर के फूल। तो दोस्तों, ये थे इसका उत्तर। प्रश्न चार, कृति पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, पहले हम ये पढ़ के लेते हैं और बाद में हमें ये चार कॉलम भी भरने हैं। नागर जी के समकालीन साहित्यकार कौन कौन थे दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, प्रथम आएंगे प्रेमचंद, दूसरे आएंगे शरद चंद्र, तीसरे आएंगे माधव शुल्क और चौथे आएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो दोस्तों, ये चार लोग थे। प्रश्न पाँच लिखिए। कार्य आलोकचंद रचनाकार। इधर हमें दोस्तों उत्तर लिखना है ना, और नीचे दूसरा भी देखते हैं, नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक, ये दो हमें लिखना है फिर से। तो दोस्तों, प्रथम तो हम लोग कार्य देख लेते हैं। कार्य में हम लोग को क्या देखना है? आलोचन और रचना करके आगे का उत्तर। तो दोस्तों, आलोचक कौन थे? तो समीक्षा करना, आलोचन मतलब समीक्षा करना कार्य है उसका आलोचक का, और रचनाकार मतलब रचना करना। आलोचक मतलब समीक्षा करना और रचनाकार मतलब रचना करना। और नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक कौन थे? तो टॉल्स्टॉय और चेखव, ये दो विदेशी लेखक उनको अच्छे लगते थे, प्रिय लगते थे। दोस्तों, प्रश्न छठा हम लोग देखते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक, नागर जी के प्रिय लेखक। दोस्तों, नागर जी के प्रिय लेखक थे रामविलास शर्मा। प्रश्न दो, नागर जी के प्रिय आलोचक कौन थे? तो प्रतिक्रिया देने वाले पत्र लेखक। प्रश्न तीसरा, अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा। तो कौन सी रचना के लिए बहुत लोगों से
मिलना पड़ा। तो दोस्तों नागर जी की गदर के फूल इस रचना के लिए उन्हें बहुत लोगों से मिलना पड़ा। प्रश्न चौथा, नागर जी का पहला उपन्यास। तो दोस्तों नागर जी का पहला उपन्यास महाकाल है। तो प्रश्न सातवें की ओर हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग प्रश्न अ, तद्धिक शब्दों का मूल्य शब्द मूल शब्द तद्धिक शब्दों का मूल शब्द। तो दोस्तों प्रश्न पहला है साहित्यिक और दूसरा है विलायती। तो दोस्तों इसके हम लोग अभी उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा साहित्यिक का साहित्य और विलायती का विलायत। और प्रश्न दूसरा, क्रुदंत शब्दों का मूल्य शब्द। तो दोस्तों प्रश्न पहला है खिंचाव और दूसरा है लिखावट। तो दोस्तों प्रश्न पहले का उत्तर है खिंचाव का खींच और लगाओ नहीं लिखाओ लिखावट। लिखावट का है दोस्तों लिखावट का है लिख अधिक आवट और खिंचाव का है खींच अधिक आओ। तो दोस्तों प्रश्न आठवें की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आठवां है उचित जोड़ियां मिलाइए। अरचना उत्तर और बरचनाकार। प्रश्न पहला है देसी और विलायती, दूसरा है अपशकुन, तीसरा है आनंदमठ, चौथा है रामचरित मानस। तो दोस्तों इसके उत्तर के पर्याय हम लोग को यहाँ दिए हैं। तो हम लोग को करेक्ट आंसर करेक्ट प्रश्न इधर उत्तर इधर से निकालना है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा उत्तर बराबर है इसमें से। तो देखिए देसी और विलायती का उत्तर है बंकिम चंद्र चैटर्जी। अपशकुन का उत्तर है दोस्तों अपशकुन का उत्तर है माफ़ कीजिए दोस्तों हम लोग का फर्स्ट जो प्रश्न था उसका उत्तर गलत है। देसी और विलायती इसका उत्तर है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय और अपशकुन इसका उत्तर है दोस्तों अमृतलाल नागर और तीसरा जो आनंदमठ है इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चैटर्जी और रामचरित मानस इसका उत्तर है दोस्तों तुलसीदास। तो दोस्तों हम लोग ने इस पाठ का स्वाध्याय तो देख लिया, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं भाषा बिंदु की ओर। तो दोस्तों इसमें हमें क्या दिया है, निम्न वाक्यों में आई हुई मुख्य और सहायक क्रियाओं को रेखांकित करके ही हुई तालिका में लिखिए। तो दोस्तों इधर हमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दिया है और इसमें प्रश्न हम लोग को दिए हैं, तो इसके उत्तर हमें यहाँ लिखने हैं। तो उदाहरणार्थ ये कैसे दिया है कि उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। रीति रिवाजों का हमें अध्ययन करना पड़ा, तो करना मुख्य क्रिया है और पढ़ा सहायक। करना यह मुख्य क्रिया है और पढ़ा यह सहायक क्रिया है। वैसे ही दूसरा प्रश्न, माता पिता का यह रंग देखकर तो वे बूढ़ी काकी को और सताने लगी। तो मुख्य क्रिया क्या है, सताने, और सहायक क्रिया है लगी। तो प्रश्न तीसरा, उसकी ननन रूठ गई, तो मुख्य क्रिया है रूठ और सहायक क्रिया है गई। और वे हड़बड़ा गए, मुख्य क्रिया है हड़बड़ा, वे हड़बड़ा उठे, उस मुख्य क्रिया है हड़बड़ा और सहायक क्रिया है उठे। वैसे ही वे पुस्तक पकड़े न रख सके, मुख्य क्रिया है रख और सहायक क्रिया है सके। उन्होंने पुस्तक लौटा दी, मुख्य क्रिया है लौटा और सहायक क्रिया है दी। वैसे ही दोस्तों आपको आगे के प्रश्न के उत्तर भी आ जाएंगे जैसे मैंने आपको समझाया है। मुझे इस चारों के उत्तर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मैंने पहले 6 प्रश्न के उत्तर आपको बताए हैं, तो वैसे ही प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रिया वाले 10 वाक्य ढूंढकर मुख्य और सहायक क्रिया चुनकर लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बताता हूँ वाक्य जिसमें हम लोग मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया बता सकते हैं जो पाठ में है। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, तो करना यह मुख्य क्रिया है और पढ़ा मतलब सहायक क्रिया है। तो दोस्तों हम जैसे पाठ पढ़ेंगे वैसे हमें कोई ना कोई वाक्यों में ये
ऐसे प्रकार मिली जाएंगे। जैसे प्रभात कुमार मुख्योपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती, अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूंगा, तो मुख्य क्रिया है पढ़ना और सहायक क्रिया है चाहूंगा। वैसे ही तीसरा हम बोल सकते हैं कि आश्रम में सादगी का आग्रह होना चाहिए। आश्रम में सादगी का आग्रह होना चाहिए मतलब आग्रह यह मुख्य माफ कीजिए होना यह मुख्य क्रिया है और चाहिए यह सहायक क्रिया है। और दूसरे भी हम लोग वाक्य ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको ये वाला वाक्य, और बाद में हम वो ये बोल सकते हैं कि उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो होना यह मुख्य क्रिया है और चाहिए यह सहायक क्रिया है। तो और भी बोल सकते हैं कि बहन यदि हाँ कहे तो अभी से ही आगे का विचार करने लगूंगा। तो मुख्य क्रिया है करने और सहायक क्रिया है लगूंगा। मतलब दोस्तों हमें ऐसे वाक्य तैयार करने हैं और मिल भी जाएंगे पाठ में। पाठ में बहुत ऐसे वाक्य हैं, उदाहरण तो सोचा इस सोचा और घुटने भर मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। तो बिता यह मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया है आए। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने आपको 6 वाक्य बताए, वैसे ही आपको 4 वाक्य ढूंढ के ऐसे ही लिखने हैं। तो दोस्तों प्रश्न तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कर चिन्हों से कीजिए तथा उचित कारक चिन्हों से कीजिए तथा संबंधित कारक और कारक चिन्ह तालिका में वाक्यों के सामने लिखिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके उत्तर और प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक दिया है, वाक्य दिए हैं, कारक दिए हैं और कारक के चिन्ह भी हमें देने हैं। तो प्रश्न पहला है, क्या है? चाची अपने कमरे में टिम टिम्बर निकल रही थी। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। तो कारक क्या है दोस्तों? इसका आएगा आपादन कारक और कारक का चिन्ह क्या आएगा? से। अगर दोस्तों उदाहरणार्थ परीक्षा में आपको ये आए हैं पर आपको कारक समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या है इसके उत्तर नहीं आ रहे हैं, समझ लो कि आपको किसी समय इसका कारक पता नहीं, तो आप कारक चिन्ह तो आपको समझ में आ सकता है, तो उससे आपको थोड़े मार्क्स मिल सकते हैं। तो प्रश्न दूसरा है, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। तो दोस्तों ये क्या है? एक प्रकार की क्रिया है, तो यह कर्म कारक है, तो उसका कारक चिन्ह क्या है? को। प्रश्न तीसरा, आवाज टिम्ब टिम्ब मेरा ध्यान बटाया। आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। तो दोस्तों ये कर्ता कारक है और उसमें कारक चिन्ह है ने। हमारे शहर टिम्ब टिम्ब एक कवि है, तो हवा हमारे शहर में एक कवि है, तो ये अधिकरण कारक चिन्ह है, तो उसमें कारक है, तो इसमें कारक चिन्ह आएगा में। और प्रश्न पांचवा, कितने दिनों में टिम्ब टिम्ब छुट्टियां हैं? कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो दोस्तों ये संबंध कारक है, तो छुट्टियों के संबंध में बोल रहा है, संबंध के बारे में जोड़ रहा है, इसलिए संबंध कारक, तो इसका कारक चिन्ह है की। प्रश्न छठा, मानू रेल टिम्ब टिम्ब ससुराल चली गई। मानू रेल से ससुराल चली गई। तो दोस्तों ये भी अपना करण चिन्ह है और उसमें कारक चिन्ह है से। तो दोस्तों हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। उन्हें पुस्तक ले आने टिम्ब टिम्ब कहा। उन्हें पुस्तक ले आने के लिए कहा। तो दोस्तों ये है संप्रदाय कारक, तो उसमें कारक चिन्ह है के लिए। तो दोस्तों हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रश्न हम लोग लास्ट करेंगे, उसके बाद के जो 5 बचे हुए प्रश्न वो आपको करने हैं। प्रश्न 8वां, पर्यटन टिम्ब टिम्ब बहुत ही आनंद मिला। पर्यटन से बहुत ही आनंद मिला, तो इसका कारक है करण कारक और इसका कारक चिन्ह से। तो दोस्तों ये हम लोग ने प्रश्न भी देख लिए हैं, तो आगे का प्रश्न देखते हैं। पाठ में प्रयुक्त विभिन्न कारकों का एक वाक्य छाटकर उनसे कारक और कारक चिन्ह चुनकर लिखिए। तो दोस्तों पाठ में भी ऐसे आए हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मैंने शरत चंद्र टिम्ब टिम्ब बाद में पढ़ा। मैंने शरत चंद्र को बाद में पढ़ा, तो को यह कारक है, कर्म कारक है और चिन्ह है को। और वैसे ही मुझे बदगदर के फूल टिम्ब टिम्ब बहुत लोगों से मिलना पड़ा, तो मुझे गदर के फूल के लिए बहुत लोगों से मिलना पड़ा, तो कारक यह संप्रदाय कारक है और कारक चिन्ह है के लिए। वैसे ही
आप बोल सकते हैं कि पत्नी टिम्बा टिम्बा मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, तो पत्नी की मृत्यु के बाद, तो ये है संबंध कारक, तो उसका कारक है कि। वैसे ही पिताजी ने आंदोलनों टिम्बा टिम्बा भाग लेने से रोका, तो पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका, तो यह है अधिकरण कारक और कारक चिन्ह है में। और ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए, पिताजी टिम्बा टिम्बा मुझे डांटा और रोका, पिताजी ने मुझे डांटा और रोका, तो ये कारण है, कारण है कर्ता कारण और कारक चिन्ह है ने। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने आपको बताया, तो आगे के कुछ वाक्य आपको तैयार करने हैं। तो दोस्तों आपको इस पाठ का स्वाध्याय कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप अपने चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बाजू के बेल आइकॉन भी दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको पहले देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे आगे के वाले पाठ और उनके स्वाध्याय लेके अपने यूट्यूब चैनल पर। तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।